राकेश टिकैत जैसे जो घूम रहे हैं, इन्हें कोई किसान से मतलब नहीं है, ना ये किसान के हित की बात कर रहे हैं। ये करोड़ों रुपए खुद लेके बैठ चुके हैं आढ़तियों से, अन्य ताकतों से, तो उनकी ये राकेश टिकैत बजा रहे हैं। और राकेश टिकैत को अपने आप को बचाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत को खुद को लगता है कि अगर ये करोड़ों रुपए इन्होंने जो आढ़तियों से इनसे जो लिया है, इसका क्या जवाब देंगे। इसलिए कहीं बंगाल भागते हैं, कहीं वो राजस्थान में जाते हैं, तो इस तरह से जो है ना एक डुगडुगी बजाते हैं मदारी की तरह। बाकी लोग इनको पहचान चुके हैं, अब इनका जो है ना राकेश टिकैत का पूरा खेला खत्म हो चुका है। इनको अब कोई जो है ना बिल्कुल नहीं देख रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है। एक भी किसान आप देख लिए किसी भी जहाँ भी बॉर्डर पे ये धरने पे बैठे हुए हैं, आप देख ले जाके वहाँ एक भी किसान नहीं है। अगर कोई है तो राकेश टिकैत जैसों के दलाल बैठे हैं जो आढ़तियों का पैसा और दारू वहाँ मिल रही है उसको खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस उसलिए बैठे हैं, बाकी वहाँ किसान एक भी नहीं है जी। तो स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज राकेश टिकैत पर। जो राकेश टिकैत आप बंगाल के फार्मर्स से कह रहे हैं कि MSP के ऊपर वोट करना, इस पर चर्चा करेंगे कैप्टन आई सिंह जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इसको। और चर्चा करेंगे जो इस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जो सरकार ने अपील करी है, तो राकेश टिकैत उस पर भी कह रहे हैं कि सरकार इस आंदोलन को शाहीन बाग वाला आंदोलन ना समझे, आखिरकार अपने साथ साथ किसानों की जान भी दांव पर लगाई जा रही है कहीं ना कहीं। चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि कैप्टन आई सिंह क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं इसको। पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि ये राकेश टिकैत बंगाल के फार्मर से मांग कर रहे हैं कि MSP के ऊपर ही वोट करना वरना मत करना, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, राकेश टिकैत का अब जो है ना हर किसान जान चुका है, आम लोग जान चुके हैं कि किस राकेश टिकैत का अब कोई वजूद नहीं रहा है। दुनिया जान चुकी है कि राकेश टिकैत किसान के लिए बात नहीं कर रहे। अरे गन्ना किसान है, MSP किसान है, उसको आप बंगाल चुनाव में जा रहे हैं लेके, बंगाल चुनाव से इसका क्या लेना देना था। तो राकेश टिकैत वो कर रहे जो इनसे आढ़तीय करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ आज जो धरने में जो बैठे हुए हैं किसान के नाम से, टोटल आढ़तीय बैठे हुए हैं, आढ़तियों के दिए हुए पैसे से, ये चाहे राकेश टिकैत हो चाहे जो अन्य बैठे हुए उन पे बैठे हुए। आपको मैं एक पूरा इसका विवरण बताना चाहूँगा कि सरकार जो MSP का जो पैसा देती है वो जो है ना सीधा किसान के खातों में जाता है, और आज भी वही सरकार कर रही है। आज तो ये पंजाब के किसान का हाल क्या है कि वहाँ जितनी जमीनें अमीनें जो कराते हैं ज़्यादातर जो है ना आढ़तियों के माध्यम होता है जी। तो ये इससे पूरा आढ़तीय कट रहे थे, किसान के खाते से पैसा ना जाके ये चाहते हैं कि आढ़तियों के में जाए, सरकार के में जाए, तो जिससे सरकार के हाथ में और आढ़तियों के हाथ में पूरा पैसा चला जाए और किसान तक कुछ ना पहुँचे। तो किसान आज इस बात को अब समझ चुका है, तो किसान इनके अब जो है ना झांसे में और भ्रमय में नहीं आ रहा है। अब जो जहां भी अगर जो किसान नाम बन के बैठे हैं वो टोटली आढ़तियों के आदमी बैठे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि जो कंपनी राज से देश को बचाना है, किसानों को बचाना है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? लगातार देश के उद्योगपतियों पर सवाल उठाना, उनके खिलाफ बोलना, कैसे देखते हैं इसको? नहीं बिल्कुल, ये आढ़तियों पे किस सवाल नहीं उठाया जा रहा है। सरकार जो कह रही है वो सत्यता है। सरकार जब MSP आज भी गेहूं की खरीद हर जगह हो रही, पूरे देश में हो रही है, हर अनाज MSP खरीदा जा रहा है, और सीधा MSP का जो पेमेंट है सीधा किसान के खाते में जाता है, उसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है। तो दिक्कत तो वही है इन लोगों को कि वो आढ़तियों के हाथ में पैसा क्यों नहीं जा रहा है। वहाँ की जो लोकल सरकारें और जो है ना मंडियों से जो जुड़े हुए व्यापारी दलाल थे, उनको यही तो दिक्कत है कि सरकार सीधा पैसा किसान के खाते में क्यों डाल रही है, वो हमारे माध्यम से क्यों नहीं जा रहा, इनके माध्यम जाए तो ये सब कुछ खा जाए। तो ये खेल है इन लोगों का। तो किसान के नाम पे जो है ना जो सरकार की दी हुई जो राहत है उसको किसान तक नहीं पहुंचना देना चाहते हैं, ये खुद खाना चाहते हैं। तो अब वो किसान भी समझ चुका है, इसलिए किसान आज है कहाँ। अब तो कहीं ना कहीं टेंट भी खाली नजर आ रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, तो आखिरकार जो ये लोग हैं ये किसान आंदोलन खत्म क्यों नहीं कर देते हैं? नहीं, टेंट तो खाली होना ही होना है, क्योंकि किसान हर इंसान समझ चुका है कि ये खेल क्या है। जो खेल हमने बताया वही है कि सरकार की मंशा है कि किसान की आमदनी दूनी हो
और मोदी जी कह भी चुके हैं कि 2022 तक मैं प्रत्येक किसान की आमदनी दूनी करना चाहता हूं। तो सरकार जो है, केंद्र की सरकार है, वो इसी प्लानिंग पे चल रही है कि किसान की आमदनी बढ़े और MSP का जो पेमेंट है वो सीधा किसान के खाते में जाए। वो ये आढ़ती है और बीच के मंडी के जो दलाल हैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए इन्होंने ये धरना आंदोलन शुरू किया था और वहाँ लोग बैठा रखे तो समझ गए, सब लोग चले गए। अब जो अगर थोड़े बहुत नज़र भी आते हैं तो वो आढ़तियों के बैठाए हुए लोग हैं, बाकी अन्य कोई नहीं है जी। इसी पर राकेश शिकैत के भाई नरेश शिकैत का कहना है कि जो किसान है वो गेहूँ काटने गए हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो सब उनका कहने का एक वो है, बाकी राकेश टिकैत और ये दोनों ही भाई दुनिया जान चुकी है कि इनका खेल क्या है। ये सिर्फ जो है ना किसानों के नाम से गुमराह किसानों को करते हैं और लोगों से वसूलियां करते हैं। इसी तरह से इस आंदोलन में मैं कह रहा हूं, और ये बाद में इनकी जांच होगी, ये बचेंगे नहीं जी, ये बचेंगे नहीं। इस आंदोलन में इनके पास इतना पैसा दलाली का इन्होंने खाया है, कई करोड़ों रुपये राकेश एंड टिकैत पार्टी जो है ना इस आंदोलन में पैसा खा चुकी है किसानों के नाम से, क्योंकि ये आढ़ती चाहते थे कि इनके नाम से कैसे भी अगर ये सरकार मान जाए और इस कानून को बदल ले तो इसमें फायदा सीधा जो है ना आढ़तियों का इनका होने वाला था। मगर सरकार जब किसान के लिए बनी है, किसान के लिए एक अच्छा काम कर रही है, किसान के हित का काम कर रही है, तो कि आढ़तियों के ऐसे देशद्रोहियों के पे दबाव में सरकार आने वाली नहीं है। सरकार वो काम करेगी जो किसान हित में है, ना कि आढ़तियों के हित का काम करेगी जी। जो कोरोना इस वक्त अपना कहर बरपा रहा है देश पर, उस पर जब केंद्र सरकार मांग करती है कि किसान अपना आंदोलन खत्म करे, तो राकेश शिकैत कहते हैं कि इसको शाहीन बाग का आंदोलन ना समझे, और कह रहे हैं कि जहां रैलियां हो रही है क्या वहां कोरोना नहीं है क्या, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, आज देश दुनिया सब कोरोना के वजह से अपने आप को बचा रहे हैं, मगर राकेश टिकैत का जो ये कहना है वो बिल्कुल निराधार है। और राकेश टिकैत को आम जनता अब बिल्कुल जो है ना एक जो जिम्मेवार और उस तरह से एक व्यक्ति समझती थी वो बिल्कुल नहीं है। राकेश टिकैत को आज सारी दुनिया जान चुकी है कि राकेश टिकैत टोटल अब दलाली करने लगे हैं, वो भी किसानों के नाम से। तो इसलिए वो कह रहे हैं भाई कोरोना एक स्टाम ऐसी महामारी है जो सामने दिखाई दे रही है, हर स्टेट में हर जगह आज बेड कम पड़ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि रैलियों, भाई आज तो चुनाव आयोग ने भी इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया कि रैलियों में भी अगर कोई बिगर मास्क का पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और मोदी सरकार ने तो यहाँ तक सख्त आदेश किए आज की तारीख में कि बिगर मास्क के जो अगर पकड़ा जाता है उसका सीधा सीधा 1,000 का चालान करा जाएगा। तो सरकारें बिल्कुल संजीदा हैं कोरोना पे, मगर राकेश टिकैत क्या है कि उन्हें किसी ना किसी तरह से एक अपनी दुकान बनाए रखना है, जो करोड़ों रुपए ले चुके हैं इस दुकान के नाम से, तो वो इसलिए सब ये भूमिका बनाते रहते हैं, मगर वो भूमिका सारी दुनिया जान चुकी है उनकी जी। सर, राकेश शिकैत ने एक चीज़ और कही कि लॉकडाउन अगर लग गया तब भी यह आंदोलन जारी रहेगा, और जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके बाद यह आंदोलन और जोर लेगा, और जब तक MSP नहीं वापस हो जाती, MSP की गारंटी नहीं मिलती, तब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा। सरकार अपना काम कर रही है, किसान हित में काम कर रही है, और सरकार किसान हित में काम करती रहेगी। मगर राकेश जैसे जो किसान के नाम से दलाली कर रहे हैं, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और न सरकार इनकी बातों पर ध्यान देती है, क्योंकि दुनिया जान चुकी है कि राकेश टिकैत किसान नेता नहीं है, वो जो है ना आढ़तिया नेता बन चुके हैं और आढ़तियों से पैसे ले रहे हैं, इसलिए उनका काम कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार को अपना काम करना है। राकेश टिकैत जैसे जाने कितने जो है ना आढ़तियों के दलाल घूम रहे हैं, तो सरकार उनके हिसाब से थोड़ी चलेगी जी, जी। सरकार इस देश के लिए है, यहाँ की जनता के लिए है, किसानों के लिए है, तो जो किसान हित में है सरकार वही फैसले लेगी, वही डिसीजन लेगी, वही काम करेगी, किसी दलाल और आढ़ती के लिए नहीं करेगी जी। धन्यवाद।